नमस्कार दोस्तों, कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 9.7% के क्लियर आपको तेजी नजर आ रहा है। तो उसी तरह देख सकते हो, आज शानदार का बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन में। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या स्टॉक में यहाँ पे तेजी आएगा या फिर स्टॉक में गिरावट आएगा। तो अगर ऊपर बढ़ता है तो क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो, कैस्ट्रॉल इंडिया शेयर स्टॉक आपको एग्जैक्टली के हायर है कि कंडीशन बना के स्टॉक यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है, मतलब कि स्टॉक है कि अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो साथ साथ ये भी देख सकते हो कि स्टॉक अपना प्रीवियस के जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने जो हाई लगा, देख सकते हो यहाँ पर 278 को स्टॉक ने हाई लगा, राइट। तो अब देखेंगे स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से ऊपर बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम संभावना है कि स्टॉक में और भी तेजी आएगा। और यही चीज़ें मैंने पहले बताया था ना कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जब स्टॉक यहाँ पर था तभी बताया था, जब स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, जब स्टॉक यहाँ से रिवर्स किया मैंने बताया। जब तक मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया से वीडियो बना रहा हूँ तभी से लेके मैंने यहाँ पर ये चीज़ें मैंने क्लियरली बताया था। और जो हमारे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं, इवन कंटिन्यू भी छोड़ दीजिए, अगर कल भी किसी ने देख लिया होगा प्रीवियस डे का, तो उनको भी पता चल गया होगा कि स्टॉक ने जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था वही तरीके से आज इसने परफॉर्म किया। क्योंकि कल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था बुलिश स्पिन बार, ये वाला कैंडल दिखाया था, और मैंने क्लियरली बोला था कि अगर इसकी हाई को ब्रेकआउट करे स्टॉक में तेजी डेफिनेटली रहेगा, और मैंने ये लेवल भी दिया था 278 का। तो आज एग्जैक्टली मैं यहाँ पे पहुंच गया। काफी लोगों ने मुझे कमेंट में भी बताया था कि सर जिस तरीके से आपने बताया था एग्जैक्टली उसी तरीके से मूवमेंट किया, और काफी लोगों ने मुझे थैंक यू भी कहा, तो उनको भी बहुत बहुत वेलकम है हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर। जो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जो नए नए भी हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप हमेशा हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, यानी कि हमारे वीडियो को देखते रहिए। कई बार आपको लग रहा होगा कि थंबनेल एक जैसा है, लेकिन आप डेट देख लीजिए, करिए जो अपडेट वीडियो रहते हैं उसको फॉलो करिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं तो उनको भी बेनिफिट होता है, तो आपको भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो अभी हम बात करेंगे टारगेट क्या बनेगा जब ये 278 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पहला टारगेट आपके सामने 308 रुपये में रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 358 में रहेगा, तीसरा टारगेट रहेगा 408 में रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपके सामने 439, यानी कि 439। दोस्तों सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा होगा कमेंट करके जरूर पूछिए। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जरूर करता हूँ, और जिनका भी रिप्लाई नहीं किया उनको ऐसा लग रहा होगा शायद मैंने कभी कभार उनका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि बहुत मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब कि थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने के लिए। तो जिनको भी ऐसा लग रहा हो या फिर जिनके साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है मैंने उनका रिप्लाई नहीं किया, तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा, स्टॉक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज में ही बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।